हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहम्स इन्फो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब तरीन कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी औरत की कहानी जो 20 साल से पानी में रह रही है। इंडिया के इलाके वेस्ट बंगाल में एक गांव है जहां एक 66 साल औरत पानी के अंदर रह रही है और इस औरत का नाम है पतुरानी। ये औरत पानी के लिए इतनी ज़्यादा जुनूनी है कि पिछले 20 सालों से ये गांव के झील में रहती है। ये दिन के 15 से 16 घंटे इसी झील के अंदर गुजारती है। इसको सिर्फ नींद पूरी करने के लिए बाहर लाया जाता है। पिछले 20 साल से रोज़ाना सुबह ये औरत इस झील के अंदर चली जाती है जहां ये पानी में ठीक से खड़ी रहती है। इसका मुंह पानी के बाहर रहता है और फिर ये अगले 16 घंटे तक इसी झील में के अंदर खड़ी रहती है। कहते हैं कि पतुरानी नाम की ये औरत को 1999 में एक पुरासरार बीमारी हो गई जिसमें इसकी बॉडी जलने लगती, लेकिन पानी के अंदर आकर इसको सुकून मिल जाता था। फिर ये औरत इस गाँव को कि इस झील में अपनी दर्द को कम करने के लिए जाना शुरू हो गई और अब इस बात को 20 साल हो गए हैं। जैसे ही रात होने लगती है इसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है ताकि ये अपनी नींद पूरी कर सके। इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं और इसकी फैमिली इसका इलाज नहीं करवा सकती। ये औरत इंडिया में जल परी के नाम से भी मशहूर है और ये खाने में चावल और सब्जी खाती है और वो भी इसको पानी के अंदर खिलाया जाता है। इनको लगता है पानी इस औरत की स्किन को सूरज से महफूज रखती है। जब ये औरत पानी में होती है तो इसके रिश्तेदार इसको आकर देखते रहते हैं कि ये ठीक तो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।